जी डॉक्टर साहब जवाब दें। देखे देखे कामरान, देखे 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 कामरान, देखे कामरान, हमारी इंस्टीट्यूशन से कोई लड़ाई नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा ये हुकूमत की, इन लोगों की इतनी ख्वाहिश है कि पीटीआई और फौज आमने सामने हो जाए, पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हो जाए। आप अगर मुझे पूछते कि अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट होता तो मैं इन चोरों डाकुओं लुटेरों से खुद को डिस्टेंस करता, ये खुद को साथ जोड़ते हैं। आप मुझे बताएं, मेरे लिए काजी फायज ईसा साहब काबिल एहतराम जज हैं, कल इमरान खान ने उनको भेज दिया, इन चोरों डाकुओं लुटेरों में जाके बैठ जाए अकेले। ये परसेप्शन क्रिएट करते हैं, ये एक पैगाम देते हैं, आने वाला चीफ जस्टिस हमारा है, काजी फायजी हमारे साथ बैठा है, आर्मी चीफ जनरल असम मुनीर साहब की बात कर रहे हैं, वो हमारे चीफ हैं, वो पाकिस्तानियों के चीफ नहीं है, वो पीटीआई के चीफ नहीं है। आज जो ये डिवीजन आ गई है, कामरान शायद एंटी पीटीआई है, बट्टी प्रो पीटीआई है, तो एंटी पीटीआई नहीं हूं, का चैनल जो है वो प्रो पीटीआई है, फलाना। सुन ले जरा, ये तासुर दिया जाता है मेरे भाई, ये जज पीटीआई का है, ये जज पीडीएम का है, ये फौजी जरनैल पीटीआई का है, ये फौजी जरनैल जो है पीडीएम का है। अदालतें बांट दी गई हैं, शख्सियात बांट दी गई हैं, अदारे बांट दिए गए हैं, पूरे मुल्क में डिवीजन ये लोग लेके आए अपनी तकरीरों से। अभी पहले हिस्से में ये फरमा रहे थे जी ये अटैक कर रहे हैं, ये ट्रेंड चला रहे हैं, हम कौन ट्रेंड चला रहे हैं? अगर एक ट्रेंड में 10-10 लाख ट्वीट हो रहे हैं तो वो कोई एक बंदा करवा रहा है किसी एक ट्रेंड में? बात ये है कि ये भाग रहे हैं अपनी नहली से। इनको याद दिलाएं कि जब इनको हुकूमत मिली थी 55 रुपए का आटा था, 155 रुपए में नहीं मिल रहा, आटा लूटते हुए इनकी हुकूमत में 30 लोग प्यारे हो गए, लेकिन इनको फिर भी शर्म नहीं आ रही। डॉलर 178 का था, 290 में नहीं मिल रहा, पेट्रोल 150 का था, 300 रुपए में नहीं मिल रहा, महंगाई 12% थी 35% हो गई है, बिजली 18 रुपए का रेट था 45 रुपए का रेट हो गया। क्या बैठ के बातें 2017 की कर रहे हैं जी, 17 लगा रखा है, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पढ़े इमरान खान की, छापे हैं इनकी कांपे इसलिए टांग रही है। एक सेकंड है नजर आ, जिस पैमाने की इन्होंने मुआशी दहशतगर्दी की है इस मुल्क में, मुआशी कत्ल किया है पाकिस्तानियों का, इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। पंजाब वालों ने कामरान इनकी मंजी ठोक के रख दी है, इसलिए ये पंजाब इलेक्शन में नहीं आ रहे। लाहौरियों ने इनका गर्दन पस्ता करके रख दिया है, बना रहे पाकिस्तान में चारों तरफ कंटेनर लगाए, उसके बावजूद लाहौरियों को जवाब तो दे रहे हो 30 सेकंड। जी दारिया साहब, आप कह रहे हैं थर्ड लेके आऊंगा मैं, बात कर रहा था यार की बातों में वजन लग रहा है आज भी, और भाई की बातों में अपना लीडर भागा हुआ है, ऐसे निकलती हैं। ओ भाई इलेक्शन में आओ ना, फिर इलेक्शन में आओ, ललकार रहा मेरा भाई, यार मुझे भाग रही है ना उसकी, कामरान साहब मैं आई रेस्ट माय केस, इस देखे ना बलबले के ऊपर आई रेस्ट माय केस, इसके बाद कोई बात ही नहीं रहती। वो कहते हैं जिसकी मजी ढुकती है उसकी चीखें निकलती हैं, वो आपको खुद आप समझदार बंदे, इलेक्शन में आओ, इलेक्शन में, इलेक्शन की बात करो, इलेक्शन सामने इनकी। यार ओ भाई अपनी बारी में आपने बात कर ली ना डार साहब, बस अब चुप हो जाए ना। अच्छा भाई, अच्छा अब ये कामरान साहब इनसे इनको जो आग लगी हुई है, ये बेचारे जहनी कैफियत में है, इनकी जहनी हालत ठीक नहीं है, इनको समझ नहीं आ रहा, ये दरवाजों से कुर्सियों से हवाओं से, ये भी आपके कैमरे से लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, इनसे कोई आगे लड़ाई तो कर नहीं रहा, कोई जवाब तो दे नहीं रहा, लेकिन ये कैमरे से लड़ाइयां करेंगे, इनकी जहनी कैफियत बयान कर रहे हैं, ये इनका अपना हाल इलेक्शन अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, और थोड़ा इनको हिम्मत दे कि थोड़ी कोटन दी नहीं, इनको थोड़ी हिम्मत दे कि थोड़ा सा तो भाई जाना, आप थोड़ा सा कोटें, आप लोगों की इतनी चीखें निकल गई हैं, आपके आंसू ठुकनी ठुकनी है, थोड़ा सा जो हौसला